मनोज अलीगढ़ी। और चुनावी चकल्लस को लेकर, जैसा कि पहले चरण में अलीगढ़ का चुनाव हो चुका था, अब तक चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब पांचवा चरण आज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और हमारे बीच में हैं समाजवादी पार्टी स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष आदरणीय गिरीश यादव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद मनोज जी। अध्यक्ष जी, आपने काफ़ी दौड़ धूप करी है, मेहनत करी है और ये लाल टोपी को पूरे प्रदेश में आप लाल कलर करना चाह रहे हैं, ऐसा आपके प्रयास से और मेहनत से लग रहा है। तो अभी आज, जैसा कि आज पांचवा चरण इलेक्शन चल रहा है, अब तक की चार चरणों की आपकी क्या स्थिति लग रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में जनता के बीच जिस तरह से जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको जो हाथों हाथ ले रही है, आपने देखा होगा कि रात के 2 बजे 3 बजे सुबह के 4 बजे तक जनता का हजूम सड़कों पर था। तो उस चीज़ से लग रहा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे जॉब क्लास हो, नौजवान हो, किसान हो, उस महिलाएं हो, इस प्रदेश की पूरी जनता वर्तमान सरकार से बहुत त्रस्त थी, परेशान थी और उसी का परिणाम है वो विकल्प के रूप में देख रही थी। और उसको विकल्प के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व पसंद आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए उन कामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक बात आपकी, आज पाँचवा चरण उत्तर प्रदेश में चल रहा है, चार चरण हो चुके, निश्चित रूप से आप मानिए चार चरण में समाजवादी पार्टी अपना पूरा बहुमत प्राप्त कर चुकी है। और जैसे जैसे चरण आते जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत में कहा है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने की ओर अग्रसर होगी। जी, 400 सीटें जीतने का आप सपना देख रहे हैं या सच्चाई है? नहीं नहीं, ये जनता का प्यार है। जिस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार रही है, उस बात से ये लग रहा है। देखिए, इनकी किसी भी भीड़ में, हम लोग जहाँ भी मीटिंग में थे, इनके नेता भी मीटिंग कर रहे थे, वो सन करहल की बात है, हमारे आदरणीय अमित शाह जी बगल में मीटिंग कर रहे थे 500 मीटर की दूरी पर, वहाँ पर 1000 आदमी उनको सुनने के लिए लोग नहीं थे, कैसे संभावना करेंगे कि इनको कोई वोट देने के लिए तैयार होगा? जो देखिए, किसान परेशान था, 702 लोगों ने शहादत दे दी उसमें से दिल्ली के बॉर्डर पर, इन लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान परेशान है। रोजगार की ये लोग बात करते थे, रोजगार जितने युवा हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिला है। जो व्यापारी वर्ग था उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सब परेशान है। और इसी को देखते हुए जनता बदलाव चाह रही है, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को क्लियर कर दूं, किसानों की अगर हम बात करें तो किसान सम्मान निधि किसानों को दी गई, जिससे काफ़ी संतुष्ट हैं किसान। माताएं बहनों के लिए एक बेहतरीन पैकेट बनाकर राशन दिया जा रहा है और मकान के लिए 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। और वहीं पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पिछले दिनों ही अभी लैपटॉप और आईपैड बांटे गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं इस बात? देखिए, आपकी बात से मनोज जी मैं आपको अवगत कराऊंगा। आपने कहा आईपैड और लैपटॉप बांटे गए, शायद अगर आपको ध्यान होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग 18 लाख लैपटॉप दिए गए। आप अलीगढ़ में पता कर लीजिए, अलीगढ़ के कितने बच्चों को लैपटॉप और आईपैड भाजपा की सरकार मिले? शायद हमें लगता है नहीं मिले होंगे। आपने महिलाओं की बात की कि इनको राशन मिल रहा है, हम लोगों को भीख नहीं चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए। हमने किसानों की बात आपने की, MSP, हमें MSP चाहिए, जो हमारा समर्थन उसकी गारंटी चाहिए हमें। हमें ये नहीं चाहिए कि 2000 रुपये आप हमारे, लेकिन आपने महंगाई कहाँ पहुँचा दी? आप ये बताइए, जो डीजल 100 रुपये लीटर, देश के निर्माण में महंगाई तो होगी? नहीं, महंगाई इस तरह से देश के विकास की बात है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, बिल्कुल देश के विकास के काम, लेकिन जनता का खून चूस के जो लोग यहाँ से हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लेके विदेश भाग गए, उनके लिए पैसा आप इकट्ठा करके भेज रहे हैं? उनको सारी कंपनियां, आज बताइए पूरे देश में कितने लोगों के पास उनकी आय कहाँ पहुँच गई, उनकी जो ग्रोथ थी वो कहाँ पहुँच गई, और जो आम आदमी है वो कहाँ रह गया इस कोरोना काल में? जो पूरा जितना भी इस उद्देश्य ट्रेन बिकती जा रही है, कहाँ जा रही है? अडानी ग्रुप को। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, इस देश में आज की डेट में अडानी सबसे नंबर वन है। क्या ऐसा पहले था? ये किसकी बदौलत है? भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। क्यों? कि सारी चीज़ें, चाहे वो अपना ये बंदरगाह है वो उनको दिए जा रहे हैं, हवाई अड्डे उनको दिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन उनको दिए जा रहे हैं। जो छोटा आदमी है, जो छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा ठेकेदार है,
या छोटा पूंजीपति है, उसके लिए तो कोई काम है ही नहीं। लोगों का कहना है, हिंदुस्तान के लोगों का कहना है कि हिंदुत्व के लिए हम सब कुछ नछावर कर देंगे, ये ट्रेन, ये टेलीफोन एक्शन, ये दूरदर्शन, देखिए या एयरपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुत्व की सुरक्षा करना। मनोज जी, आप मोदी जी की प्राथमिकता है, योगी जी की प्राथमिकता है, गृह मंत्री जी की प्राथमिकता है, और आप कहां से जीत रहे हैं? गृह मंत्री जी ने कल ही एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा कि क्या बहन जी का आप सहयोग लेंगे, बोले हम 300 पार कर रहे हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे। कुल 404 सीट पर तो इलेक्शन हो रहा है, 403 पर, ये 403 पर हो रहा है। देखिए मनोज जी, आपकी जानकारी के लिए हम एक बार बताएं, ये लोग हवा में बातें करते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। पहली बात तो ये, आप अलीगढ़ बता दीजिए कोई सीट जीत रहे हो, पीछे बुलंदशहर चले जाइए वहाँ कोई सीट जीत रहे हो, लगातार आप आगे चले जाइए कोई सीट जीत रहे हो, निश्चित रूप से कोई सीट नहीं जीत रहे इन, केवल ये आपने लाल टोपी पहन रही है, रखी है, इसलिए आपको सच्चाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री क्या झूठ बोलेंगे, क्या गलत बोलेंगे, वो बताइए आप। मैं, आप मेरी बात सुनेंगे तो? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन 15 लाख रुपए वाली बात किसने कही थी आप बताएंगे हमें? 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे, किसने कहा था बताएंगे आप? देश के निर्माण की बात थी तो नहीं, वो मिले, छोड़ दी, वो मिले क्या जनता को? दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि हम पूरा काला धन विदेश से वापस लाएंगे, वो आया क्या? अरे चल रहा है, अगली बार सरकार बनेगी तो आएगा। आप ये बात, दूसरी जनता सहयोग कर रही है, बनाएगी सरकार, दोबारा लेके आएंगे। दूसरी बात, आएगा, कोई काम रोका नहीं। जहां तक देश की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बात है और देश के सम्मान की बात है, आप हमसे ज्यादा पुण्य, हम 18 साल हम बॉर्डर पर नौकरी करके आए देश सेवा के लिए, देश सेवा हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, लेकिन देश सेवा के साथ साथ बच्चों को रोजगार भी चाहिए, पेट के लिए अनाज भी चाहिए, भूख भी मिटानी है, महिलाओं की सुरक्षा भी करनी है, देश के सुरक्षा के साथ साथ सभी चीजें अनिवार्य हैं। हम ये नहीं कहते देश सुरक्षा अनिवार्य, देश सुरक्षा में ये लोग कितने में जाके देश सुरक्षा की, देश में जाके सुरक्षा की, बॉर्डर पर जाके हमें, हम करके आए 18 साल जहां पर -40 सर, मैं आपकी बात कर दूं, आप सेना में जवान थे जी, गृह मंत्री जी मुखिया हैं जी, जब वो टैप कैप पहन लेते हैं तो पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पे आती है। अच्छी, आप एक अदने से जवान होकर गृह मंत्री जी इसकी बराबरी करते हैं? नहीं, हम बराबरी की बात नहीं कर रहे, आपने कहा झूठ नहीं बोलते, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं क्या 15 लाख रुपए की बात किसने की थी, आप ये बता दीजिए। ठीक है, नहीं यार, ठीक नहीं है, आप बताइए ना, 15 लाख की बात किसने की थी कि वहां से 15 लाख रुपए इनके खाते में सबके जाएंगे? दूसरी बात, काला धन वापस आएगा, उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, आपको मालूम है क्या उसमें कश्मीर में कितने लोग मर चुके हैं? तो ये आप भी बताइए ना कि कौन झूठ बोल रहा है, हम बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा निश्चित रूप से। और जहां तक देश की बात है, नहीं ऐसा लगता है हम और छोड़ दें, जनता खुद ही बता देगी 10 मार्च को। जनता ने बता दिया है। अच्छा। आप ये जन समर्थन देख रहे हैं आने वाली 10 मार्च को, ये देखना पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत दिला के और विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी, और भाजपा का उत्तर प्रदेश से सूपड़ा साफ होने वाला है आने वाली 10 तारीख। लेकिन एक बात भूल गए, मैं अभी पिछले दिनों का कासगंज में भ्रमण कर रहा था जी, तो कुछ ग्रामीण महिलाएं, बहनें मिली जो बिल्कुल स्कूल नहीं गई थी, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, वो कह रही थी पिछली बार हमने वोट डाला था कहीं और पहुंच गया कहीं और। क्या कहना चाहते हैं? देखिए आपने देखा होगा, ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक का सवाल। नहीं, पब्लिक ने कहा, अच्छी बात है, उनकी बिल्कुल बात सही है। कई बार ऐसा देखने में आया है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, वोट कहीं डाले जा रहे थे, पहुंच कहीं रहे थे, इसीलिए वीवीपैट जहां पर है, जहां वीवीपैट है वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्यों पता लग रहा है कि वो वोट किसको जा रहा है, तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। हम लोग भी पहले से कह रहे थे कि देखिए जो इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो सब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं मानी उन बातों को, इसमें सभी दलों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई सब लोगों से, लेकिन ये बात का विषय हो गया, ये पीछे चला गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब ईवीएम को इस कदर भर देगी कि ये बेईमानी करने की स्थिति में लोग नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आप थे हमारे साथ गिरीश यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि सच्चाई, देशभक्ति, ईमानदारी का परिणाम 10 मार्च को 5 राज्यों में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जिंदाबाद। धन्यवाद।